तो हे गाइस क्या हाल चाल है। और मैं यहाँ फिर से आ गया हूँ। और ये मेरा एक्सपी फार्म तो याद होगा ना, तो आज हम इसी के जैसे एक फार्म बनाने आए हैं। मगर वो हमें इनफाइनाइट एक्सपी नहीं देगा, वो हमें देगा एक इनफाइनाइट खाना। खाना जैसा चीज़ उसको खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है एक इनफाइनाइट हनी फार्म। हाँ गाय, हाँ आपने सही सुना, हनी फार्म। तो अब हम हनी फार्म कैसे बनाएंगे ये जानने के लिए बस मेरे साथ बने रहिए। तो पहले तो हमें चीज़ें जुटानी होगी, तो हमें एक इनफाइनाइट हनी फार्म जुटाने के लिए चाहिए होंगी ये चीज़ें जो अभी आपके मोबाइल स्क्रीन पे सामने आने वाली हैं। तो ये रही सारी चीज़ें आपके सामने। ग्लास, बी बी का स्पॉनर, अगर सर्वाइवल खेल रहे हैं तो बी पकड़ के ले आना, है ना। बी कैसे ला सकते हो अपने घर में आप उसको ये पॉपीज दिखा के ला सकते हो, या फिर आप बांध के ला सकते, या फिर आप उसको लीड बांध के ला सकते हो तो अपने घर में। हाँ, बी इसको तो लीड लगा ही सकते हो। अब देखिए इस सब चीज़ का कितना कितना मात्रा में चाहिए। तो बेसिकली ये इतने स्टैक्स की मात्रा में सब नहीं चाहिए, 10 से 15 कोई भी मटेरियल हो वो चलेगा चलेगा। जिसमें आपको ग्लास चाहिए होगा, बी का स्पॉन चाहिए होगा, क्रिएटिव में बना रहे सर्वाइवल बना रहे हो तो 20 चाहिए होंगी, जिन्हें आप पॉपीज से पकड़ के ला सकते हो। जो दिखा देता हूँ इसके थ्रू, एंड मैंने बीच का स्पॉनर हटा दिया कि यहाँ ले जाते हैं। और बी हाइव चाहिए होगा, कोई भी रैंडम ब्लॉक चाहिए होगा, हमने वुडन प्लैंक्स लिया है एज ए रैंडम ब्लॉक। रेड स्टोन चाहिए होगा, हॉपर चाहिए होगा, रेड स्टोन टॉर्च चाहिए होगी, कंपेरेटर चाहिए होगा, रिपीटर चाहिए होगा, स्लैब्स चाहिए ही चाहिए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में हमें चाहिए होंगे ग्लास बॉटल, जितनी चाहे जितनी ज़्यादा हो सके उतना बढ़िया है। मगर इस सब के बाद भी हमें कुछ और चाहिए है, और वो है कि ये एक हनी बॉटल। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं, ये अगर तुम्हें पहले ही हनी बॉटल चाहिए होगी तो वो इनफाइनाइट हनी फार्म बनाने का फ़ायदा क्या है। तो भाई रुको, जरा समझो मेरी बात को। देखो, तुम इनफाइनाइट हनी चाह रहे हो, तुम थोड़ी सी हनी नहीं चाह रहे हो। थोड़ी सी हनी तो पाने को कोई भी पा सकता है, और अगर थोड़ी सी भी हनी नहीं पा सकते हो तब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है सर्वाइवल गेम खेलना। पहली मेरे दूसरे फार्म्स को देखो जाके, के कुछ मटेरियल्स जुटाओ जुटाओ जुटाओ, फिर आना यहाँ हनी फार्म बनाने के लिए। तो ठीक है, और बाकी मेरे साथ बने रहें। तो बेसिकली इसके लिए करना ये होगा, और हाँ करना ये होगा कि सबसे पहले हमें वो चीज़ लेनी होगी जिसे मैं लिस्ट में गिनना भूल गया था, ये चेस्ट। अब चेस्ट लेने के बाद क्या करना है हमें, चेस्ट लेने के बाद हमें कुछ इस तरह से डबल चेस्ट इसको बना देना है। मौसम बिगड़ रहा है, कुछ इस तरह से डबल चेस्ट बना देना है। उसके ऊपर क्राउच करके हमें लगा देना है एक रैंडम ब्लॉक, फिर उसके ऊपर लगाना है हमको एक हॉपर, फिर यहाँ आना है, ये हॉपर हटाना है, कोई जरूरत नहीं हॉपर की, ये हटा देना है। एक्चुअली ये रखना है, क्या हो रहा है यार, ये रैंडम ब्लॉक रखना है, और ये एक और यहाँ ऐसे लगा देना है। उसके बाद रैंडम ब्लॉक को इसकी दिशा में लगा देना है, रैंडम ब्लॉक उसकी दिशा में लग गया, इसको हटा देना है। इसके बाद हमें एक ऑब्जर्वर लेना है। भाई काफी सारी चीजें इसमें लेनी पड़ती हैं, ऑब्जर्वर लेना होगा हमें, ऑब्जर्वर
और ऑब्जर्व और एक हनी मेल लेना होगा। इसके लिए रैंडम ब्लॉक चाहिए रहेगा हमें, कुछ ऐसे ऐसे जाओ ऐसे जाओ, पर ये नहीं लग गया। अभी इसकी तरफ देख रहा होना चाहिए हमारा और हमारा ऑब्जर्वर, तो इसके लिए ऐसे तीन ब्लॉक लो, ऐसे क्राउच मारो, सही एंगल में देख के लगा दो, तो हमें शूट में ये मेक श्योर कि इसकी जो लाल वाली साइड है साइड पर, ये जो ऑब्जर्वर की इस तरफ है और इसका मुंह इससे जुड़ा है। नहीं, एक्चुअली ये ऑब्जर्वर नहीं होना चाहिए, आई एम सॉरी, मुझे फिर से गाइस माफ कर देना, क्या मैं भी भूल जा रहा हूँ। ये एक डिस्पेंसर होना चाहिए ऑब्जर्वर की जगह पे, और ये डिस्पेंसर का मुंह इस तरफ होना चाहिए, और उसका अगर चेहरा दिखाई ना दे, मतलब एकदम सही जगह पे लगा है। करने के बाद हमें शीयर्स लेनी है, हमेशा शीयर्स नहीं लेनी है, हमें करना ये होगा। अब हमें दो रेड स्टोन के वो बनाने कॉन्ट्रैक्शंस। अब वो रेड स्टोन के दो कॉन्ट्रैक्शंस कैसे बनाएंगे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, मैं वापस आ गया हूँ, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि हमें कैसा रेडस्टोन कॉन्ट्रैप्शन बनाना है। इसके लिए आपको कोई भी रैंडम ब्लॉक प्लेस ऐसे कर लेना है, फिर ऐसे तोड़ना है, ऐसे प्लस कर लेना है, फिर नीचे जाना है कुछ इस तरह से, तो पानी निकला है यहाँ से, जाना है ऐसे, उसके बाद यहाँ से ऐसे तोड़ के यहाँ एक ब्लॉक लगा देना है, फिर ये तोड़ देना है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें एक रैंडम ब्लॉक ऐसे प्लेस करना है, एक कंपैरेटर प्लेस करना है, एक रेडस्टोन डस्ट प्लेस करना है, रेडस्टोन डस्ट प्लेस करना है, उसके बाद हमें एक रिपीटर ऐसे प्लेस कर देना है, ऐसे प्लेस कर देना है। नहीं, अरे ये कौन, तो कंप्यूटर रिपीटर ऐसे प्लेस कर देना है, उस तरफ चेस्ट की तरफ देखता हुआ वहाँ से रिपीटर। और फाइनली हमें हम यहाँ पर एक रेड स्टोन टॉर्च प्लेस कर देंगे, अरे स्टोन टॉर्च प्लेस कर देंगे। इसके बाद कहाँ ऊपर चल रहा है, रेडस्टोन टॉर्च प्लेस करने के बाद पहला हमारा रेडस्टोन का सिस्टम, अब बनाना है हमें दूसरा रेडस्टोन का सिस्टम बनाना। पहले वाले से 200 गुना ज़्यादा इजी है, 200 गुना ज़्यादा आसान है, तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, एक ऐसे रैंडम ब्लॉक यहाँ तक, तीन रैंडम ब्लॉक इधर लगाने हैं,
फिर 3 रैंडम ब्लॉक इधर लगा देना है। उसके बाद एक और कंपेरेटर लेना है, उस कंप्यूटर को इधर लगाना है, इधर रेडस्टोन 2 बार मारना है, इधर 2 बार मारना है, इधर 1 बार मारना है, फिर इधर एक रैंडम ब्लॉक लगा देना है। एक सेकंड, तोड़ के वापस से लगा देता हूँ। इधर एक रैंडम ब्लॉक लगा देना है, क्यों? क्योंकि ये सिस्टम को थोड़ा ठीक कर देगा। अब आप चाहें तो, अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बस मधुमक्खी इस पूरे एरिया को की अगली लुकिंग वायरिंग को कवर करना है आपको। बट उससे पहले सबसे मेन काम ये आपको करना है। देखिए, अभी आपको जैसे मैंने अपनी इन्वेंट्री में दो एक जोड़ी चार चार स्लैब का पेयर बना के, एक जोड़ी पांच पांच स्लैब का पेयर बना के रखा है। तो ये इसलिए रखा है क्योंकि आपको ऐसे करके डालना है इसी। ओ नो, एक सेकंड गाइस, कुछ गलती हो गया। सो गाइस, आपको इस हॉपर में नहीं डालना है, आपको ये नीचे वाले हॉपर में डालना है कुछ इस पैटर्न में। और अब यहाँ एक हनी बॉटल डाल देंगे। अब ये एक हनी बॉटल यहाँ क्यों डालेंगे? और ध्यान से देखिए, एक हनी बॉटल परमानेंट है, ये हमेशा यहीं रहेगी, इसे आपको निकालना नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि देखिए इसमें अगर मैं ग्लास बॉटल डालूंगा तो ये ग्लास बॉटल फिर गिर जाएगी। अभी देखिएगा, आपको सामने में ऐसे एक रैंडम ब्लॉक लगाना पड़ेगा अपनी चेस्ट में, और ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपकी जो चेस्ट में हॉपर है तो इस एक रैंडम ब्लॉक से करें, तो फिर आप रैंडम ब्लॉक तोड़ लेंगे। अब आपको इसके अंदर इस पैटर्न में स्लैब्स लगा देंगे और एक इम्पोर्टेंट परमानेंट चीज़ें रखें। अगर आप इस ऊपर डिस्पेंसर में डालेंगे तो ये ग्लास बॉटल नीचे लेकिन अब यहाँ से हनी बॉटल फिल्टर होगी। तो देखिए, जब मधुमक्खी आकर इस बीहाइव को फिल कर देगी हनी से, तो ये जो दोनों हमारे डिस्पेंसर्स हैं, ये कंपर्टर्स हैं, ये समझ जाएंगे और ये डिस्पेंसर को इशारा कर देंगे, और फिर डिस्पेंसर सर हनी बॉट, और फिर डिस्पेंसर के अंदर रखा हनी बॉटल्स ग्लास बॉटल्स धीरे धीरे हनी बॉटल में कन्वर्ट होगा, जो हनी ऑब्टेन होगा इस बी हाइव से। फिर जो वो हनी बॉटल्स होंगी, वो हनी बॉटल्स इस हॉपर से फिल्टर होके इस हॉपर के थ्रू इस चेस्ट में आकर जमा हो जाएंगे। अब देखिए, एक चीज़ होगी, जब ये हनी से फिल होगा, इस हनी ऑब्टेन कर ले जाने के बाद यहाँ अंदर में भी एक बॉटल बची रह जाएगी। आप इस एक बॉटल को बाहर निकाल सकते हैं, मगर ये यहाँ बार बार आ जाएगी, मगर उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इस हनी बॉटल को कभी मत निकालिएगा, वरना आपका बंद हो जाएगा काम करना। तो बस अब इस अगली लुकिंग वायरिंग को कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। इसका एक तरीका है जो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। दादा, तो गाइस, हमने इसको बी हाइव की थीम दी है, बी नेस्ट की थीम दे दी है। जैसे ऐसा बी नेस्ट दिखने में लगता है, वैसा ही हमने इसको बनाने का कोशिश किया है। इसकी अगली वायरिंग अब छुप गई है, पूरी तरह से वर्किंग है, काम करता है। और अब इसमें अब इसको एक्टिवेट कैसे करें? तो एक्टिवेट करने के लिए बस बहुत सिंपल तरीका है, एक सेकंड के। तो बेसिकली मैंने किया ये है कि मैंने ये अपने पूरे हनी फार्म को ग्लास वॉल से कवर कर लिया है, ताकि ये मधुमक्खियाँ यहाँ से बाहर ना भाग सकें। और इसके अंदर बहुत सारे फूल लगा दिए हैं एक ही वेराइटी के,
आप अलग अलग वैरायटी के भी लगा सकते थे, लेकिन मेरे को मैंने एक ही वैरायटी के लगाए हैं गए हैं। और एक मैं पर्सनली एडवाइस एक देना चाहूँगा, तो वो एडवाइस ये है कि ये दोनों जो मधुमक्खियां हैं ना, जो भी आप पकड़ के लाएंगे लीड लगा कर या कॉपी दिखा कर, ये तो एक दूसरी कहाँ गई, कॉपी दिखा कर ये दोनों मधुमक्खियों की ना ब्रीडिंग करा लीजिए, क्योंकि इन दोनों मधुमक्खियों को जो है हनी मेज हनी कोम में अडेप्ट होने में रहने में थोड़ी परेशानी होगी, बट इनका ये जो छोटू सा बच्चा है ना, इसको हनी कोम में रहने में कोई परेशानी नहीं, ये आराम से जाकर रह सकता है। ये दोनों अगर नहीं रहेंगी तो ये शहर भी नहीं बनाएंगी, सीधी सी बात है, इसीलिए इनकी ब्रीडिंग करा दी। और एक बात का और आपको ख्याल रखना होगा या सर्वाइवल के वर्ल्ड में भी कमांड्स देके स्पॉन कर सकते हैं, देके स्पॉन कर सकते हैं। अगर आप एक कमेंट करके पूछिए, अगर आप चाहते हैं मधुमक्खियों को कमांड चैट बॉक्स में जाके कमांड देके स्पॉन कर सकते हैं। मैं अपने हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट।